हेलो डियर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें विदाउट एनी ग्रीन स्क्रीन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई कौशिक सर वेलकम यू टू योर फेवरेट चैनल कंप्यूटर गुरु। तो उसके लिए आपको आपके मोबाइल का ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया, फिर यहाँ पे आप गूगल को ओपन कीजिए। ठीक है, गूगल को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कीजिए ऑन स्क्रीन। ठीक है, ऑन स्क्रीन। तो जब आप ऑन स्क्रीन सर्च करेंगे तो यहाँ पे पहले में ही आपको एक लिंक दिखेगा अनस्क्रीन वेबसाइट का। ठीक है, तो आप उस वेबसाइट को ओपन कीजिए। जब आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे एक अपलोड क्लिप करके ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आप उस अपलोड क्लिप ऑप्शन में क्लिक कीजिए। जब आप अपलोड क्लिक ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो वो आपको आपका वीडियो फाइल इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो फाइल मतलब जिस वीडियो फाइल का बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हैं आप उस वीडियो फाइल को इंपोर्ट करें। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जिस वीडियो फाइल का आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं उस वीडियो को आप सफिशिएंट लाइट में रिकॉर्ड कीजिए, तब जाके वो अच्छी तरह बैकग्राउंड रिमूव कर पाएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया तो वो कुछ टाइम प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो अपने आप आपके वीडियो से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है सिर्फ जो लड़की है उसी का वीडियो रहा है, मतलब उसका जो बैकग्राउंड था वो अपने आप रिमूव हो गया। ठीक है, फिर आप अगर इस वीडियो में कुछ बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आप वहाँ पे आपके हिसाब से एक बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ सैंपल बैकग्राउंड भी दिया हुआ है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिस वीडियो को आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा वो वीडियो आपके वीडियो के बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप इमेज को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इमेज भी एक डाल सकते हैं, या अगर आप आपके अपने मोबाइल से कोई वीडियो या इमेज मतलब जेपीजी फाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पे सिलेक्ट में क्लिक करके अपने मोबाइल से भी वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं ये वाला बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड को रिमूव या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप इंपोर्ट कीजिए। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब इस वीडियो को इंपोर्ट करेंगे तो वो जीआईएफ फाइल में इंपोर्ट होगा, मतलब आपका ऑडियो उसमें नहीं होगा। एक जीआईएफ फाइल मतलब हम सिर्फ 5 सेकेंड का वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रीली। अगर आप कुछ पैसा पे करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन एक दिखा रहा है ऑन स्क्रीन प्रो बोल के, वहाँ पे आप कंप्लीट वीडियो को HD रिजोल्यूशन में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड को रिमूव करके अपने मोबाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्री में करके दिखाता हूँ। तो ये वाला
वीडियो को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने मोबाइल में। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जो डाउनलोड ऑप्शन है उसमें क्लिक करें। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने आप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और जो भी फाइल डाउनलोड होगा वो जेएफ फॉर्मेट में होगा, ठीक है। लेकिन उस जेएफ फॉर्मेट को लेके आप यूज नहीं कर सकते, तो उसको कैसे यूज करना है ये डाउनलोड हो जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। आप यहाँ पे डाउनलोड फाइल को ओपन करके भी देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया, लेकिन इसमें ऑडियो नहीं है। तो इसको ऑडियो हम कैसे अप्लाई करें, उससे पहले एक चीज, ये जो फाइल डाउनलोड हुआ है वो जीआईएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है, तो उसके लिए आप इसको क्लोज कीजिए, फिर आपके प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए GIF टू वीडियो कन्वर्टर, ठीक है, GIF टू वीडियो कन्वर्टर। फिर यहाँ पे कुछ कन्वर्टर शो होगा, तो उसमें से आप ये वाला जो कन्वर्टर है आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री GIF टू वीडियो कन्वर्टर है। लेकिन और दूसरा जो फाइल है उसमें कुछ हम लोगों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं पहले से डाउनलोड किया हुआ हूँ अपने मोबाइल में, तो इसको मैं ओपन करता हूँ मेनू से, ठीक है। फिर ये वाला GIF टू वीडियो, ठीक है, मैं इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करके ऑप्शन दिखा रहा है, आप यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कीजिए। ये जो देखिए ये रिसेंट फाइल में आ गया है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसको कन्वर्ट में क्लिक कीजिए। ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक कीजिए, दिखा रहा है वीडियो सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये अब MP4 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जेएफ फाइल MP4 में कन्वर्ट हो जाने के बाद आप अपने मोबाइल में काइनमास्टर को ओपन कर लीजिए। काइनमास्टर ओपन करने के बाद आप इस प्लस साइन में क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कीजिए। अगर काइन मास्टर के बारे में आपका नॉलेज नहीं है पहले से, तो मैं पहले से वीडियो बनाया हुआ हूँ, वो आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। उस वीडियो को मैं इस वीडियो का आई बटन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उस आई बटन से भी देख सकते हैं काइनमास्टर को कैसे हैंडल करें, ठीक है। फिर यहाँ पे 16:9 रेशियो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। 16:9 रेशियो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मीडिया में क्लिक करें, ठीक है। मीडिया में क्लिक करने के बाद आप उस MP4 फाइल को सिलेक्ट करें जो कि GIF से कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस MP4 फाइल का साउंड नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली GIF से कन्वर्ट हुआ है, तो उसीलिए उसका साउंड नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, आप आपका टाइमलाइन को पहले में रख के लेयर में क्लिक करें, फिर मीडिया में क्लिक करें और अपना ओरिजिनल फाइल को सिलेक्ट करें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस ओरिजिनल फाइल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद
आप इस फाइल का ऑडियो को इंपोर्ट कर लें। जैसे कि आप यहाँ पे अब तुझे ऑडियो पा ना सके तो भी सारी जिंदगी तुझे ही प्यार करेंगे। तो इस फाइल से हम ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप यहाँ पे नीचे की ओर जाइए, फिर यहाँ पे देखिए एक एक्सट्रैक्ट ऑडियो फाइल बोल के ऑप्शन है, ठीक है, उस ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह एक ऑडियो फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आपके वीडियो से, ठीक है। फिर आप अपना ओरिजिनल वीडियो को रिमूव कर दीजिए। तो ये अभी इस वीडियो में ये ऑडियो ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो का बैकग्राउंड को रिमूव करके उसमें ऑडियो डाल सकते हैं, ठीक है। सोच रहा हूं आप सभी को समझ में आ गया है, लेकिन अनस्क्रीन का एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 5 सेकंड करके आप वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप उसी तरह 5 सेकंड करके इंपोर्ट करके ले सकते हैं, या तो आप प्रो वर्सन यूज करके कंप्लीट वीडियो एक ही बार में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। सोच रहा हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, उसके साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि चाहते हैं अपने वीडियो से बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो आप मेरे लेटेस्ट वीडियो नहीं पा सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।